करते हैं राजस्थान से आ रही बड़ी खबर का। राजस्थान से बड़ी खबर सामने आ रही है, राजस्थान कांग्रेस को लेकर दिल्ली में अहम बैठक शुरू हो गई है। एआईसीसी में चल रही है कांग्रेस नेताओं की बैठक। बता दें कि बैठक में जो अध्यक्ष हैं खड़के वो मौजूद है, राहुल गांधी, के सी वेणुगोपाल इस बैठक में शामिल है। बैठक उनकी तरफ से ली जा रही है। सचिन पायलट, प्रमोद भाया जैन भी इस बैठक में मौजूद है। तो बेहद महत्वपूर्ण ये बैठक कांग्रेस के लिए मानी जा रही है, क्योंकि राजस्थान में विधानसभा चुनाव इस साल के आखिर में होने हैं और उससे पहले इस बैठक के जरिए कांग्रेस के हाईकमान जो नेता हैं वो चाहते हैं कि कांग्रेस में जिस भी तरीके की दिक्कत अभी तक चली आ रही है उन सभी दिक्कतों को खत्म किया जाए। और इस पर ज्यादा अपडेट के लिए रुक कर लेते हैं संवाददाता रघु गौर का। रघु, बहुत महत्वपूर्ण बैठक है जो इस वक्त दिल्ली में चल रही है और माना जा रहा है कि इस बैठक के बाद जो है कांग्रेस पूरी तरीके से जो तमाम दिक्कतें हैं पार्टी के अंदर उनको खत्म करने वाली है, क्या अपडेट मिल पा रही है? देखिए, कांग्रेस की जो महामंथन है या कह सकते हैं बैठक है बहुत महत्वपूर्ण है और आज का दिन कांग्रेस के लिए बड़ा दिन होगा, क्योंकि इसको लेकर के राजस्थान के तमाम नेताओं की नजर भी है कांग्रेस की, चाहे वो कार्यकर्ताओं की, लगातार इस पर मंथन पर निगाह बनाए हुए हैं कि इसमें क्या फैसला आता है। हो सकता है इसके अंदर कुछ कमेटियों को लेकर के भी इस पर चर्चा की जाए, राजस्थान के अंदर चुनाव प्रचार को लेकर के भी इस पर चर्चा की जाएगी। तो इसके अंदर विधानसभा चुनाव को लेकर के सबसे महत्वपूर्ण बात आती है, क्योंकि विधानसभा चुनाव का बहुत कम समय बचा है, तो ऐसे में प्रचार प्रसार के लिए जो राष्ट्रीय नेताओं की उपस्थिति होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कर्नाटका के अंदर 1.5 महीने पहले ही लिस्ट जारी की गई थी। तो ऐसे में अब उन नेताओं के नाम शामिल किए जाएंगे जो राष्ट्रीय नेता है, जिनकी छवि बहुत ज्यादा हमेशा प्रतिष्ठित रही है। तो इस बैठक के अंदर अब चर्चा की जा रही है राजस्थान को लेकर के, क्योंकि सबसे पहले बात आती है कि गहलोत और पायलट को लेकर, क्योंकि दोनों में जो आपसी जो मतभेद था, मनभेद था, अब दोनों को बुला करके इस पर जो आलाकमान है अपनी सहमति जताएगा और इसमें सचिन पायलट को क्या भूमिका दी जाएगी, उनको क्या अदा की जाएगी, ये भी महत्वपूर्ण इस पर नजर बनी हुई है। क्योंकि राजस्थान में हम खासतौर पर देखते हैं कि जो सबसे पहले जो चर्चा आती है वो सचिन पायलट और गहलोत को लेकर के आती है। तो जहां सीएम गहलोत लगातार अपनी योजनाओं को लगातार धरातल पहुंचाकर खुद यहां पर जो राहत कैंप में जायजा लेकर के अपनी फ्लैगशिप योजनाओं को जनता तक पहुंचाने के प्रयास लगातार कर रहे हैं ताकि सरकार कैसे न कैसे रिपीट हो, और वहीं आलाकमान के लिए सचिन पायलट इस समय सिरदर्द बने हुए हैं कि सचिन पायलट के लिए ऐसा कौन सा पद दिया जाए जिस पर वो सहमति जताए, क्योंकि इससे पहले आलाकमान ने बहुत सारे उनको पद के लिए क्या माना जाए कि यहां पर अब इस बैठक के बाद जो बड़ी जिम्मेदारी तय की जाएगी सचिन पायलट के लिए, क्या वो कांग्रेस में जो भी अभी तक विवाद रहा उनको खत्म कर देगी, या क्योंकि अशोक गहलोत बहुत बार उन चीजों को अस्वीकार करते हैं जो सचिन पायलट के लिए हाईकमान सोचता है, तो क्या उसके बाद ये माना जाए कि अगर कोई बड़ा पद दे दिया जाएगा तो अशोक गहलोत को वो स्वीकार होगा, और अगर स्वीकार नहीं होगा तो और मुश्किलें बढ़ जाएंगी? देखिए प्रीति, आपको याद होगा कि 30 मई को एक बैठक रखी गई थी, तो उस बैठक के अंदर एक संदेश दिया गया था गहलोत और पायलट को लेकर के, यानी कि एकजुट लेकर के पार्टी है जो राजस्थान के विधानसभा चुनाव में उतरेगी। तो वहां पर भी उस समय 30 मई के दौरान भी पद को लेकर के बातचीत हुई थी। अब ऐसे में सचिन पायलट का क्या पद होगा, आलाकमान ने तय तो कर लिया है, इस पर स्पष्ट नहीं हो पाया, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपनी फ्लैगशिप योजनाओं के तहत राजस्थान में सरकार को रिपीट करने के लिए कोशिश में है, कि उनकी नजर है सीएम गहलोत की सिर्फ सरकार को रिपीट करने को लेकर। अब सचिन पायलट को क्या पद दिया जाता है इस पर अभी तय नहीं किया जा सकता। हाँ, हालांकि प्रदेश अध्यक्ष को लेकर के जो सोशल मीडिया पे अलग अलग तरीके की प्रतिक्रियाएं लगातार चल रही है, और सचिन पायलट को इससे पहले भी प्रदेश अध्यक्ष को लेकर के लगातार अफवाहों का बाजार बहुत गर्म था, तो ऐसे में अब राष्ट्रीय महासचिव की भूमिका दी जाए या प्रदेश अध्यक्ष की दी जाए या चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष चेयरमैन की दी जाए, इस पर भी बड़ी गहनता से चर्चा की जा रही है। अब ऐसे में 3:30 बजे हमारे पास जानकारी मिली है कि 3:30 बजे राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो इस पर मंथन हुआ है, यानी कि जो सीएम गहलोत भी इस पर वर्चुअल के माध्यम से जुड़े हुए हैं, इस बैठक के अंदर राजस्थान के 30 से ज्यादा नेता इसके अंदर मौजूद है, अधिक मान के चलो चाहे वो मंत्री हो चाहे वो विधायक हो, यानी इस पर जो समन्वय होगा वो 3:30 बजे के बाद यहाँ पर राहुल गांधी बैठक यानी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ही तय होगा कि यहाँ पर राष्ट्रीय मंथन के बाद विचार विमर्श के बाद बैठक खत्म जब होगी उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए पूरी जानकारी साझा की जाएगी। शुक्रिया रघु गौर हमारे साथ जुड़ने के लिए तमाम जानकारी के लिए। तो बेहद महत्वपूर्ण बैठक इस वक्त दिल्ली में चल रही है कांग्रेस नेताओं की और राजस्थान के चुनाव को लेकर इसमें एक तरीके से रोडमैप तैयार कर लिया जाएगा और
कौन कहां से लड़ेगा, साथ ही साथ सचिन पायलट को क्या बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी, ये सभी चीजों पर जो सस्पेंस अभी बना हुआ है वो 3:30 बजे के बाद खत्म हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद कांग्रेस के जो नेता है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरी जानकारी साझा करेंगे।